दोनों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना हरिया और आज हम आपको खिलाने वाले हैं बहुत ही बढ़िया पिज्जाज स्ट्रेट फ्रॉम नेपल्स, बट है इंडिया में, अपना भारतीय पंजाबी मुंडा अपना बनाता है। एंड आई शो यू व्हाट इट लुक्स लाइक। सर ये सॉस है जो सैन मरिनो टोमेटोज दिल्ली में इम्पोर्ट करवाते हैं। ये टोमेटोज लाकर मैं इसमें अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करके ये सॉस को प्रिपेयर करता हूँ। बहुत ही बढ़िया सा एक डो है जी, फर्मेंट किया हुआ फॉर मोर देन 30 आवर्स। डो के ऊपर आ गई जी सैन मरिनो टोमेटोज की सॉस एंड ये आ गया जी चीज एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल मोज़रेला। आई कांट बिलीव कि स्ट्रीट फूड सेटअप में ये चीजें हो रही हैं यार। इट्स ऑन द स्ट्रीट्स। ये मार्गरीटा बन रहा है जी एंड लुक एट द अमाउंट ऑफ चीज हियर एंड दिस गोज स्ट्रेट इनटू द ओवन। ये जो क्या और ये आपका मार्गरीटा जो है, इट्स अ ब्यूटीफुल नेपोलिताना मार्गरीटा, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एंड इससे हो गई जी आपके पिज्जा की पॉलिशिंग। भूख कम लगी हो तो 4 और ज्यादा लगी हो तो 6। फ्रेश बेजल ऑन टॉप। अभी पीछे ओमेक्स के अंदर मैंने गोलगप्पे की रेडी लगाई थी तो मेरे पास सी क्लास मर्सिडीज है और वहाँ पे नाम पड़ गया था कि मर्सिडीज में बंदा गोलगप्पे बेचने आया हुआ। इट्स ऑल जजमेंट। वासु कभी स्पॉइल्ड ब्रैट नहीं था। आई वॉज ऑलवेज हार्ड वर्किंग पर्सन। द थिंग वॉज, हाँ मेरे पास ठीक है बाप दादू का कमाया हुआ है, कभी खराब नहीं किया, बट हाँ कॉन्वेंट के बड़े हुए हैं, गाड़ियाँ थी और शौक थे। आप ये कह सकते हो मैं शौकिया इंसान हूँ, मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटा। प्रॉब्लम्स थी घर पे, काम अच्छा चल रहा था, फिर एक गाना आया बोल्ड था रखे पटाखे मारन, वो गाने से क्या हुआ, वो डायरेक्टली हिट हुआ साइलेंसर्स पे। एंड जो मेरी कंपनी है वो चक्रवर्ती, वो बेसिकली साइलेंसर्स बनाती है बुलेट के, जिसके लिए फेमस है, तो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट हमारे पीछे लग गया। उसके बाद जो उसका झटका था ना, वो लिटरली मुझे याद है कि शायद कंपटीशन, जितना भी हमारा कंपटीशन है कोई भी एक दूसरे का बैठता नहीं था, बट उस दिन एसोसिएशन बनी और कॉल आया कि मिलो मीटिंग करो, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट पीछे पड़ गया है। उनको लगता था पता नहीं हम शायद कोई पटाखा डालते हैं सिलेंसर में, और मैं एक्चुअल में बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग, जो इंजन की टाइमिंग है वो ऐसी है कि वो प्रेशर बना के वो पटाखा बच जाता है, अदरवाइज वो सिलेंसर बिल्कुल टोटली खाली होता है या उसके अंदर फिल्टर होता है, तो उसका लेना देना नहीं है। एकदम से ऐसे हो गया कि आपको रातों रात शायद फैक्ट्री बंद करनी पड़ सकती है जो 50 साल पुराना काम है। लॉट्स ऑफ चिकन इज बेसिकली सलामी सॉसेजेस एंड द पीसेस, द चंक्स ऑफ चिकन। यहाँ पे जब भी तंदूरी चिकन का नाम आ जाता है तो लोग कहते हैं यार लेट्स गो फॉर इट, तो फिर उसी चीज़ के लिए तंदूरी चिकन का एक अरोमा दिया हुआ है मैंने। वेजिटेरियंस में गार्डन फिश हमारा बेस्ट सेलिंग है, क्योंकि ये सवाल का जवाब मैं खुद देना चाहता था। मैं जब भी किसी कैफ़े रेस्टोरेंट या बिस्तरों में जाता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आपकी स्पेशलिटी क्या है, तो लोग कहते हैं सर सब कुछ अच्छा है हमारा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि वन शुड क्लैरिफाई, तो उसके लिए हम लोगों को बड़ा एक सिंपल चॉइस देते हैं कि यार आपको इटालियन खाना है तो मार्गरीटा या गार्डन फ्रेश खा लो, सब्जियाँ कम खानी तो मार्गरीटा खा लो, गार्डन फ्रेश खाना तो इसमें लॉट ऑफ एवरी वेजिटेबल्स भी हैव। अगर तंदूरी पनीर खाना है तो ये फ्यूजन है, पनीर का फ्यूजन है जिसमें अगेन मैरिनेटेड पनीर, पेपरोनी जो होती है वो पोक रहती है। लॉट्स ऑफ चिकन जो मैंने आपको बताया अभी और तंदूरी द मैरिनेट। मेरी वाइफ टीचर थी तो हम दोनों ने सोचा कि हम आयल्स पढ़ा सकते हैं, कॉन्वेंट पढ़े हुए हैं, आयल्स का बिजनेस शुरू किया डॉक्टर बेन के नाम से, और लकीली कोविड साहब आ गए, अच्छे से उन्होंने स्वागत किया हमारा। फिर जो मेन मेरा पैशन था, पर्पस था, यहाँ पे क्रिस्टल कुकिंग क्लास है वहाँ पे मैंने केक्स का कोर्स किया, तो पापा को मैंने बोला कि यार मुझे ये काम करना, वो कहते यार रोज़ खुलते हैं रोज़ बंद होते हैं, हम लोहे वाले बंदे हैं, लोहा सालों साल पढ़ा रहे खराब नहीं होता, बट खाना तेरा सुबह बिगड़ नहीं तो रात को तेरे को फेंकना पड़ेगा। तंदूरी पनीर पिज्जा की तैयारी हो रही है जी। देखो पहले तो पनीर को काट लिया जाएगा छोटे छोटे क्यूब्स में। ये है जी एक तंदूरी मेयो सॉस, आई थिंक ही विल यूज इट फॉर मैरिनेशन। अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स। टॉपिंग्स की तैयारी देखो, सबसे पहले पैन के अंदर आ गए जी जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये आ गया जी ऑलिव ऑयल, वाह क्रैकलिंग वाह, पेपरिका, प्याज, कैप्सिकम, हल्का सा वाटर। आज हम फ्यूजन खेलते हैं जी, हिंदी और इंग्लिश का फ्यूजन करेंगे, बिकॉज तंदूरी और नेपोलिताना का फ्यूजन हो रहा है। भाई यार गंदा नहीं है ये की है टेम्परेचर ओ फिर ठीक है, मैं डर गया जी, मैं क्या पता है मैं गलत गलत बोला था। ये आ गया जी आपका तंदूरी पनीर जो मैरिनेट किया था, ये सीधा पैन के ऊपर। वासु भाई कमाल कर रहे हो। ओहो हो हो हो, दी अरोमा इज मैजिकल यार, बिकॉज ऑफ दैट मेयो, जो तंदूरी मेयो थी ना, जब वो आके मिली जिंजर गार्लिक से तो क्या ही मतलब बात हो गई है, इश्क हो गया जी। ओह धुएं मेरी तरफ आ रहे हैं, हवा अच्छी चल रही है,
So the toppings for the tandoori paneer pizza are ready और अब इसको नेपोलिटाना डो के ऊपर लगाना है। ये fermented डो है जी, air pockets इसी में बन रही है भाई साहब, ये देखना। ये कौन सा फ्लावर, कौन सा आप बता रहे थे? सर ये टीपो डबल ओ फ्लावर कहते हैं। टीपो डबल ओ, ओ वाजी वाह, ओ भाई साहब ये तो फ्लाइंग पिज्जा बन। ओह नेपोलिटाना इट्स ऑल अबाउट वाटर कंटेंट। हाँ जी, इन द डो जी, ये सारा पानी है, हवा है। पिज्जा पील के ऊपर डो को रख लिया, आप देखते हैं क्या होता है जी। तंदूरी पनीर पिज्जा लग रहा है भाई साहब, आपको याद करा दूं। ये आ गई आपकी पलाती। अच्छा, इज दिस अ सीक्रेट रेसिपी, आप बता सकते हो क्या है? Oh, it is. Because USP ही हमारी ये सॉस है। अच्छा जी, दिस इज द सीक्रेट रेसिपी। जी जी जी, चीज देखो, दिस इज अ फ्लैंडर्स बफलो मोजरेला एंड कंसिस्टेंसी देख के ना चीज की मेरा मन कर रहा है ऐसे ही खा जाओ यार, इतना इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये आ गई टॉपिंग्स। इट्स लाइक आपका कोई कजन इंडिया से गया सीधा नेपल्स एंड वहाँ जाके घुल मिल गया, और एक दिन उसने ना शाम को बनाया अपना तंदूरी पनीर और उनकी रोटी पे रख के खा लिया। गया जी तंदूरी पिज्जा अपना, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है, हमारा पिज्जा बन के तैयार है जी। ओ वाह जी वाह, तंदूरी पनीर पिज्जा, वो भी नेपोलिटाना भाई साहब। और ये आ गया जी ऑलिव ऑयल, नेपल्स वाले लोगों का देसी घी। चोपड़ता जी पिज्जा है जी, रोटी नू चोपड़ता जी, कहते चोपड़ी रोटी जरूरी होंगी है, तो इतने रोटी चोपड़ी गई है। अमूल बटर लगा दिया गया है जी, बटरली डिलिशियस पिज्जा, फ्रेश बेजल। सुखी भाजी है मेरे दोस्त बिस्तरों वाले, वो मेरे साथ बैठे हुए थे, बियर पी रहे थे, कहते कि वासु तेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा सुन के राजे, बट द पॉइंट इज के कमर्शियल किचन में काम किया। मैं हक्का पक्का रह गया, मैं कह यार ये तो पॉइंट में कभी सोचा नहीं। कहने पुत्र सवेरे उठ, गो टू डोमिनोज, पुट योर रिज्यूमे एंड स्टार्ट कुकिंग। द नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उत्थे पहुंचा डोमिनोज सराबा नगर, तो मैंने वहाँ डाल दिया जाकर, और लकीली वो कहते कि हम तो बंदा ढूंढ रहे हैं भाई जो इंग्लिश में बात कर सके। तो मुझे अगले दिन कॉल आ गया, मैं सिलेक्ट हो गया, मैं वहाँ पे लग गया मेक लाइन पे। पहले मैं एलटी में था, ऑर्डर्स लेता था, फिर मैं मेक लाइन पे आ गया। प्रेशर को फील किया, पता चला कि यार आधे घंटे में कैसे आप 25-30 पिज्ज़ा बना सकते हो। मैं सोचता हूँ कि यार जो करना है कर दो, बस सोचो मत, दुनिया तो बोलती रहेगी। ये एक बड़ा ही कॉमन सवाल है जो लोग मुझसे ये पूछते रहते हैं कि क्यों का आंसर ये है, ये मेरा पैशन है और मैंने यही करना था। शायद मैं बना ही इसीलिए था कि मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को खुश करूँ, और शायद वो कहते हैं ना दिल का रास्ता पेट से होता है, तो मैं वो पूरा कर रहा हूँ। और ये बन रहा है जी अब ऑल चिकन, क्या नाम है? लॉट्स ऑफ चिकन। सबसे पहले तो वही चीज़, डो को पहले खोल लिया जाएगा। ये सूखा आटा पाता जी, ये थे प्लिथन, इसको अच्छे से अब खोल लिया जाएगा पिज्ज़ा डो को, एंड एयर पॉकेट्स जो हैं वो ऑलरेडी बन रही हैं। पर मतलब रात तुम करके सोने हो फिर? हाँ जी सर, इतने भी एक गल है कि द इनिशियल डेज तुम्हें पता है इनिशियली बंदे को मेहनत नहीं याद रहता, तो असी कर कुर काम करके असी चले गए करें, रात 3 बजे मैंने याद है, मैं तो आटा नहीं गुन के आया। मी एंड माई वाइफ केम एट 3 o'clock इन द। अच्छा रात को? हाँ जी, इतने 3 बजे आया, तो मैं डो बना के तहाँ जाके शांति में राती घर दे पुछन मुंडा कि चले, मुंडा आटा गुन्नन चला जी। ये अभी डो को खोलने की प्रक्रिया प्रक्रिया हो रही है, और डो को खोलते खोलते भाई साहब ने 3-4 बार तो उड़ा दिया भाई, लेथन लाल आके डो दे उत्ते। अगर कोई नेपोली बंदा देख रहा होगा ना, उसने गालियां देनी हमें कि प्लेथन कहने तुसी है ना, साढ़े डबल ओ फ्लावर में तुसी प्लेथन कहने हो, असी कहना हाँ जी। ये बन रहा है जी लॉट्स ऑफ चिकन, उसकी टॉपिंग्स तैयार हो रही है। सबसे पहले पैन के अंदर आ गया जी ऑलिव ऑयल, और ये आ गया जी जिंजर गार्लिक, चिकन ब्रेस्ट, सलामी को छोटे छोटे पीसेस में काटी जाएगा ताकि टॉपिंग्स की शेप ले ले सलामी भी। सलामी भी आ गई चिकन ब्रेस्ट के साथ पैन के अंदर। ये आ गई जी पलाती सॉस, आपकी पलाती आ गई। ये आ गया जी आपका लॉट्स ऑफ चिकन, चिकन ब्रेस्ट एंड सलामी, टॉस किया हुआ इसको जिंजर गार्लिक पेस्ट के अंदर, हिंदी में कैप्सिकम, पपरिका। ये गया जी आपका पिज्जा सीधा ओवन के अंदर। जो नेपोलिटाना पिज्ज़ा का आइडिया आया वो आया 2020 के अंदर, मैं मनाली में था और वहाँ पे एक जगह है नेपोली द कोमो, और वो नेपोली पिज्ज़ा सर्व करते हैं, और मैंने उनका पिज्ज़ा ट्राई किया, मैंने सामने लाल रंग का ओवन देखा, वो देखते ही मैं फैसिनेट हो गया, और पिज़्ज़ा वॉज फैंटास्टिक। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ओवन कहाँ से लिया, वो कहते सर मार्को कपिटो नाम से एक आदमी है, आपको वो दिल्ली में मिलेंगे। तो उनको मैंने कॉन्टेक्ट किया और मैंने अपना ओवन ऑर्डर किया, फिर उनसे मैंने नेपोलियन पिज़्ज़ा के बारे में जाना, उसके बारे में रिसर्च की, ट्राई किया,
और आप कह सकते हो कि शायद आई एम ब्लेस्ड, आई नेवर मेड नेपोलियन पिज़्ज़ा, नेवर नेवर एवर. फर्स्ट पिज़्ज़ा आई मेड इन दिस वैन एंड इट टर्न आउट टू बी ब्लास्ट. मैं उस दिन हैरान हुआ जब शेफ मनदीप सिंह जी आए, उन्होंने बहुत बड़ा ब्लॉग लिखा मेरे बारे में, और उन्होंने जब ये एक लाइन लिखी कि पहली बाइट ने बता दिया कि ये बेस्ट नेपोलिटन पिज़्ज़ा है इस शहर का, मेरी आंखें भर गई थी और मैं आई वाज सो हैप्पी एंड इमोशनल. बिलीव नहीं हो रहा था कि आई कैन डू समथिंग, बिकॉज माई फादर यूज़ टू से कि तू शेफ बनता अपने आप को, तेरे को पता कुछ नहीं है. अरे कोई बात नहीं, टाइम सब का आता है. और अब ये डो को दोबारा से खोल लिया जाएगा जी. अब बन रही है हमारी बहुत ही प्यारी गार्लिक ब्रेड. इसको ज़्यादा खोला नहीं जाएगा फ्लावर को, इसमें इट्स बेसिकली जो कहते हैं कि नेपोलिताना जो गार्लिक ब्रेड खाते थे ना, इट वाज लाइक ब्रेकफास्ट फॉर देम. और ये आ गया जी ऊपर से चॉप्ड गार्लिक, ऑलिव ऑयल, ओरेगानो या इटालियन सीजनिंग या पिज्जा मिक्स, थाइम, बेसिल, गार्लिक क्लोव्स. ये आ गया जी ऊपर से चीज, और ये आपकी गार्लिक ब्रेड ओवन में जाने के लिए तैयार हो रही है भाई साहब. इसको अच्छे से पहले तो हिला डुला के देखा जाएगा कि सही है ना. ये आपकी गार्लिक ब्रेड गई सीधा ओवन के अंदर, और ये आपकी गार्लिक ब्रेड बन के तैयार. ओ भाई साहब, ऑलमोस्ट मेरे ऊपर ही आ गई थी ऑलिव ऑयल. और आपकी जो गार्लिक ब्रेड है उसको काटने का तरीका भी भाई साहब एकदम डिफरेंट है. जो मुझे लोगों ने बताया कि मेरी यूएसपी मेरी सॉस है, हमारा जो फ्लावर है वो इम्पोर्ट हो रहा है, तो सॉस है मेरी सैन मार्जिनो टोमेटोज आते हैं जो बेसिकली नेपोलिताना में डलते हैं, पील टोमेटोज मैं इम्पोर्ट करवा रहा हूँ और वही मैं सॉस में डालता हूँ. उसके अंदर मैंने थोड़ा फ्यूजन किया ताकि हर पैलेट पे वो टेस्ट चढ़ जाए, और एक नॉर्मल बंदा भी जो डोमिनोज खाने वाला है वो ये ना कहे कि यार ये तो बस एक टमाटर की सॉस और ब्रेड खा रहा हूँ. तो ये है जी यहाँ की गार्लिक ब्रेड. एक तो सबसे पहले दिस इज द नेपोलिताना स्टाइल ऑफ मेकिंग गार्लिक ब्रेड. सो हियर इज अ बाइट. ब्यूटीफुल यार, एकदम परफेक्ट. द डो इज सुपर. जो नीचे से जो बेस है ना, जिसको जिसको हम बेस बोलते हैं, इतना ब्यूटीफुल है, इतना लाइट है. ऊपर से जो ऑलिव ऑयल है उसकी जो पॉलिशिंग है, जो शाइन है, इट एक्चुअली गोज इन टू द टेस्ट एंड इन टू द बाइट. और जो गार्लिक है ना, गार्लिक इज स्लाइटली रोस्टेड बिकॉज ऑफ दैट, यू नो, इतना ज़्यादा उसके अंदर हीट होती है उस ओवन के अंदर. ये है जी लॉट्स ऑफ चिकन. दिस इज ऑल्सो लोडेड विद ऑल द टॉपिंग्स एंड द चीज एंड द ऑलिव ऑयल, सलामी. और यहाँ की जो सॉस है उसका जो कॉम्बिनेशन बना है ना, सोने से सुहागा सॉस से सलामी, तो बहुत ज़्यादा प्यारा है. बाकी जो इन्ग्रीडियंट्स है ना वो तो चलो, यू नो, दीज आर अवेलेबल एवरीवेयर, बट द वे द डो हैज़ बिन डन एंड द वे द सॉस हैज़ बिन डन and the way the toppings have been matched, beautiful. Tandoori paneer with fresh basil and wahi tandoori paneer apni jo topping jo banayi thi na pan ke andar. Tandoori paneer napoli pizza. Tandoori paneer tamburi. Wow. Tandoori paneer napoli pizza. Here's a bite. तंदूरी पनीर की जो मैरिनेशन है और उसके साथ जो फलाती है और उसके साथ जो चीज़ है भाई, कॉम्बिनेशंस की बात है. ऊपर से बेसिल, बहुत बढ़िया पिज्जा है यार ये. इस स्टाइल की गार्लिक ब्रेड मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ. मैंने हमेशा डोमिनोज की गार्लिक ब्रेड खाई है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इस स्टाइल की गार्लिक ब्रेड कैसे टेस्ट. एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं. लेट्स सी. The kick of garlic. First bite से ही वो जो roasted garlic है, इतनी जबरदस्त kick है ना उसकी. Garlic bread में ना cheese इतना डाल देते हैं, garlic का taste नहीं आता. Domino's वाले. Garlic का taste नहीं आता. You can't say you're having garlic bread. हाँ. But बहुत अच्छी है यार. वो ये तो chicken है? नहीं, पनीर है. Oh, chicken है भाई. पनीर है. Non-veg पनीर है. Let's have this now. पनीर मखनी. पनीर मखनी नहीं, तंदूरी पनीर. तंदूरी पनीर. बोल, मेरे मुंह में पानी आ रहा है. मैंने बोला ना तंदूरी पनीर, मेरे मुंह में पानी आया. ओहो हो हो हो. Let's have a bite. खाओ, खा के बताओ. The basil changed the whole game. It's like a cleanser. जो सॉस है और जो बेसिल है, that is Naples का. Exactly. Italian. And ऊपर जो marination वाली जो toppings हैं, those are Indian. The marinated paneer, oh my god, the marinated paneer, cheese और basil. मुझे पहले लग रहा था कि basil क्यों ऐड कर रहे हैं, but oh my god. सही किया ना? मेरे मुंह में पानी आ रहा. फटाफट से टेस्ट टेस्ट खत्म करो, मुझे सारे पिज्जास खाने हैं. फटाफट से जल्दी जल्दी करो. I can't tell मेरा कौन सा फेवरेट है, garlic bread और this tandoori paneer pizza. Beautiful.